हमारे रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज साथ चुटानी। आज हम बात करें हाउ टू क्रिएट वाओ फैक्टर फॉर योर कस्टमर। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि वाओ आता कैसे है। व्हाई डू यू से वाओ? इसका सिंपल जो एक्सप्लेनेशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि देखो, जब आप किसी फ्लॉलेस चीज को देखते हो, व्हेन यू सी समथिंग ब्यूटीफुल, व्हेन यू सी समथिंग अमेजिंग, कोई ऐसी चीज जिसको आपने पहले कभी ना देखा हो, तो आपके वहमो गुमान में ना हो, जो चीज़ आपने एक्सपेक्ट ना की हो, जब आप नेचर को देखते हो, जब आप किसी आर्ट को देखते हो, जब आप किसी अमेजिंग चीज़ को देखते हो, तो जो इंस्टेंटली आपके एक्सप्रेशन होते हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं, वो बहुत वाविंग होते हैं, और आपके मुंह से बेसाख्ता निकलता है वाव या सुभान अल्लाह। तो रिटेल में या सेल्स में आप किस तरह इस तरह का एक्सपीरियंस अपने कस्टमर के लिए क्रिएट कर सकते हो, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, जनरली तो हम अगर अपनी बात करें तो ऑब्वियसली पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो वाव कहते हैं, तो उसके लिए हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारे तजुर्बा या हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस बड़ा मैटर करता है। बट सिंस वी टॉकिंग अबाउट द कस्टमर एंड कस्टमर्स आर डिफरेंट देन ईच अदर, तो हर कस्टमर के लिए शायद एक तरह की चीज़ वाव फैक्टर ना हो। शायद किसी कस्टमर के लिए जिसने पहले कभी इस तरह का एक्सपीरियंस ना लिया हो, उसके लिए तो शायद वो कहेगा कि वाओ, बहुत अच्छी सर्विस है। शायद वो बंदा जिसने शायद कभी किसी ब्रांड के ऊपर बाइंग ना की हो, या कभी कोई बहुत अच्छी सर्विस जिसको ना मिली हो, उसके लिए तो शायद एक बहुत एवरेज सर्विस भी, आई थिंक दैट वुड बी अ वाओ सर्विस। लेकिन हाउ डू यू क्रिएट अ वाओ फैक्टर फॉर एवरी कस्टमर? सो इसके पीछे एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, तो उसकी हम बात करेंगे। सो देयर आर टू थिंग्स, दो चीज़ें हैं जो कंबाइंड मिलकर कस्टमर के लिए एक अमेजिंग वाओ एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, वाओ फैक्टर क्रिएट करती है व्हेनेवर दे बाइंग, एंड इवन इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड बाइंग समथिंग, ये दो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ जो है वो है ट्रांजैक्शनल वैल्यू। अब ये ट्रांजैक्शनल वैल्यू का असल में मतलब क्या है? ट्रांजैक्शनल वैल्यू का असल में सिंपल सा मतलब ये है कि कस्टमर जब कहीं कोई चीज़ बाय करने जाता है, तो उसकी उसकी उम्मीद ये होती है, उसका उसके जहन में ये होता है कि उसे वो चीज़ मिलेगी जो कि उसकी नीड को फुलफिल करेगी, जो कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, कस्टमर ये सोच के जाता है कि जब वो आपसे बात करेगा तो आप उसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन दोगे। मतलब ये कि जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ऑफकोर्स यू कैन नॉट गिव इट टू द कस्टमर। सो आपके लिए आपके प्रोडक्ट की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। यू वॉन्ट टू प्रोवाइड इट टू द कस्टमर, तो आपका प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। सो कस्टमर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप कस्टमर को एजुकेट करोगे व्हेन यू बाइंग, व्हेन यू सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दैट इज नंबर टू। एंड देन कस्टमर ऑल्सो एक्सपेक्ट कि उसका जो बिगिनिंग से लेके एंड तक का जो पूरा एक्सपीरियंस है, जो पूरा उसका जो जो पूरा तजुर्बा है जो सेल्स का, कोई भी चीज़ लेने के लिए वो सीमलेस हो, वो फ्लॉलेस हो। मतलब उसमें कोई जर्क्स ना हो, उसमें कोई ग्लिचेस ना हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपकी प्रोसेस इस तरह के बने हुए हों कि कस्टमर को फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी उसको वो सीमलेस एक्सपीरियंस लगे, वो फ्लॉलेस एक्सपीरियंस लगे। एज आई हैव सेड, व्हेन यू सी समथिंग फ्लॉलेस यू ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली से वाओ। दैट इज वन थिंग। नाउ हमने ट्रांजैक्शनल वैल्यू की बात की, अब ट्रांजैक्शनल वैल्यू के साथ देयर इज अ सेकंड पॉइंट एज वेल। ट्रांजैक्शनल वैल्यू के साथ साथ यू नीड टू गिव द कस्टमर एन इमोशनल वैल्यू एज वेल। अभी इमोशनल वैल्यू क्या है? टेक एन एग्जांपल ऑफ योरसेल्फ। जब आप कहीं बाहर कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आपकी जो प्राइमरी जो नीड होती है वो ये होती है कि आपको रिस्पेक्ट मिले। एंड आई एम श्योर कोई भी शख्स जब बाहर जाता है कोई चीज खरीदने के लिए, ही वांट द रिस्पेक्ट, ही वांट के लोग या कहीं पे भी वो जाए खरीदने के लिए तो वो उनकी केयर करें। यह है इमोशनल नीड। अब टॉक अबाउट योर एग्जांपल, आप अपने बिजनेस की एग्जांपल लो। अगर आपके कस्टमर्स को आप ग्रीट नहीं करते हो, अगर आपके कस्टमर्स को देखकर आप उनको एक्नॉलेज नहीं करते हो, अगर आपके कस्टमर को देखकर आप उसको स्माइल नहीं करते हो, अगर आप उसको थैंक यू नहीं बोलते हो, अगर आप उसको सर या मैडम नहीं बोलते हो, अगर आप उसको टाइमली गाइड नहीं करते हो, जब कस्टमर को आपकी हेल्प रिक्वायर्ड होती है तो आप उसको हेल्प नहीं देते हो, जब कस्टमर आपके पास आता है तो आप किसी अपने काम में लगे हुए होते हो,
what does it make the customer feel? Customer को ये लगता है कि आप उनकी care नहीं करते हो. So, और research ये कहती है कि तकरीबन 63% times customer किसी business को छोड़कर इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी care नहीं करते हो. So, keep in mind कि जब आप customer को emotional value और transactional value, जिस transactional need और emotional need, जब आप combine provide करते हो और you provide it in a manner कि इसमें कोई बीच में glitches नहीं होते, बीच में कोई इसमें mistakes नहीं होती, तो आपकी customer को एक flawless experience मिलता है. And वो flawless experience को लेकर customer को एक wow feeling create होती है that customer remembers all the time, जो कि customer को फिर बार बार आपके पास लेकर आती है और वो retain कराती है. So, I urge you all to try this technique and tip. It's very interesting, very amazing. People have used it and these are scientifically proven, techniques. So, ye choti choti cheeze karke, sirf customer ko hi karke, hello karke, customer ko pooch ke ki how are you feeling today? Do you have any problems? Did you find everything you were looking for? Sirf sir ya madam bolke, you can actually create a great experience for the customer. And last में इस वीडियो को खत्म करने से पहले I just want to say that customer का पूरा experience जो होता है वो dependent होता है कि किस तरह से आप उसके सामने behave करते हो. आप customer के experience को enhance भी कर सकते हो, आप उसको जो है वो खराब भी कर सकते हो. So keeping in mind कि आपका behavior जो है वो perfect हो and aligned हो for the customer's needs to be fulfilled और customer का experience बहुत अच्छा हो whenever he comes to you. So, with your behavior, you can do, wonders for the business and you can literally ruin your sale and the entire performance of the business. So guys, this was our today's video. I hope aapko achhi lagi hogi. And this is how we create a wow factor for the customers and for our, for our business. And you can create massive sales as well at the same time. So guys, comment karke zarur batayega ki aapko ye video kaisi lagi. और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस चैनल सो यू कैन गेट ऑल दीज वंडरफुल अमेजिंग कंटेंट्स रिगार्डिंग सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड ऑल द रेलेवेंट एरियाज स्पॉन्टेनियसली. सो विल सी यू इन अनदर वीडियो. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.